अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी चिकन निहारी। नली और बीफ निहारी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये झटपट से बन जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरी वो बहनें जिन्होंने किचन में नया नया काम करना शुरू किया, और वो भाई जिनके घर वालों को उनसे कंप्लेन रहती है कि उन्होंने कभी कुछ बना के नहीं खिलाया, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और दाद वसूल करें। चिकन निहारी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन, और इसके बाद हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, और बस चाहिए निहारी मसाला 50 ग्राम तक। ये 60 ग्राम का पैक होता है। अगर जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो पूरा डाल लें, मैं पूरा नहीं डालती, थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, तो परफेक्ट निहारी बन जाती है इससे। बस अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है आपने नॉर्मल जो आप खाना बना रहे होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना। अगर आप 1 कप डालते हैं तो आप 1.5 कप डाल लें। बस अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो है उसमें थोड़ा सा फ्राई होने दें। बस इसके बाद जो है चिकन डाल लें। चिकन जब आप डालेंगे तो ये एक दफ़ा पानी छोड़ेगा, इसको पानी को ड्राई होने दें और उसके बाद अच्छे से इसको भूनें। ये अब भूनें, पता नहीं ये टर्म जो है पंजाबी है कि उर्दू है, मुझे नहीं पता, मतलब बस आप चिकन को अच्छे से इसके ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। जब इस चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें फिर निहारी मसाला डालेंगे। निहारी मसाला डालने के बाद भी इसको अच्छे से भूनना है, और हल्का सा छींटा भी साथ पानी का लगाते जाना है ताकि ये मसाला जो है वो नीचे से जले नहीं। अच्छे से भूनने के बाद जब आपका ऑयल जो है वो अलग हो जाए, ये देखें ये ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है और हमारे चिकन का कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब इसके बाद जो स्टेप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो निहारी का कलर आता है ना खूबसूरत, वो स्टेप करने से आपका जो है ना निहारी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। करना आपने ये है कि एक बोल ले लेना और उसमें आपने ऑयल जो है ये निकाल लेना, तकरीबन आधे से ज़्यादा आपने निकाल लेना है। इसे हम करेंगे एंड पे यूज़। अब जो है मैं इसमें 5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चिकन निहारी है और ये फटाफट से पक जाती है। बीफ निहारी में ज़रा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। बस अब हमने पानी डाल दिया और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब हमें जो अगला स्टेप करना है वो बताती हूँ आपको। ये 1 कप जो है छोटा जो मीडियम साइज़ का कप होता है वो हमने आटे का ले लिया है। इसको 1 ग्लास पानी के साथ अच्छे से घोल लेना है कि लम्स आपके जो उनसे ना वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अच्छे से इसको बीटर से जो है ना वो बीट कर लें। बस ये अब हमने साथ साथ जो है वो पोर करते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। चम्मच ज़रूर साथ साथ चलाइएगा, नहीं तो ये आटा जो है एक जगह जम जाएगा, लम्प्स बन जाएंगे। बस आपने साथ साथ जो है चम्मच चलाना है और ध्यान से साथ आपने देखते भी जाना है कि निहारी ज़्यादा थिक तो नहीं होगी। निहारी की जो तैयार फॉर्म होती है उससे थोड़ा सा आपने उसको ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना इसकी कम रखनी है, क्योंकि इसको भी हमें 15-20 मिनट पकाना भी है तो ये गाढ़ी होगी। और बस अब हम
आटा डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। 15 से 20 मिनट ये पकेगी जब तक हम जो है वो टॉपिंग उसकी तैयारी कर लेते हैं। निहारी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए टॉपिंग के लिए, ये ब्राउन प्याज है और हरी मिर्च है, लेमन है और धनिया है और अदरक है। अदरक इसमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन अदरक मैंने जो है वो ग्रेट करके रखा हुआ है, वो भी मैं अभी रखूँगी। ये देखिए ये निहारी थिक हो चुकी है, 15 से 20 मिनट पकाया है इसे मैंने। अब मैं बस थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें ये ब्राउन प्याज का तड़का लगाने लगी हूँ। निहारी को हाफ कप मैंने ऑयल दिया है और थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाला है बस तेल को गर्म करके। अब बस मैं इसमें निहारी में डाल दूँगी। निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, बस अब हम इसमें ये जो ऑयल हमने पहले निकाला था उसको हम डाल देंगे। आप चाहें तो आप डिश आउट करके भी उसके ऊपर पोर कर सकते हैं, ये आपकी निहारी को खूबसूरत कलर देगी। बस अब मैं इसलिए आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।